स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। पहले आप शराब पीते हैं, फिर शराब आपको पी जाती है। एक सर्वे के अनुसार भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की बदौलत हर 60 मिनट में 56 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और 14 बेगुनाह लोगों की मौत होती है। यानी शराब आप पीते हैं पर भुगतता कोई और है। शराब सिर्फ सड़क पर अपना रूप नहीं दिखाती बल्कि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वालों की दुनिया भी उजाड़ देती है। इसका नशा आपको इंसान से हैवान भी बना सकता है। ऐसी ही कहानी है हमारे आज की स्त्री शक्ति संगीता पवार की, जो नशे के दर्दनाक साए में पली बढ़ी पर फिर अपने गाँव को नशा मुक्त करने के नशे को अपने जीवन का मकसद बना लिया। संगीता दाई पवार जो यवतमाल जिले के नेतृत्व कर रही है शराब बंद करने के लिए, इस आंदोलन में सहभागी हुआ हूँ और ये शराब जब तक बंद नहीं होती तब तक हम ये संगीता दाई पवार के साथ इस आंदोलन में सहभागी रहेंगे। हमने ये जो आंदोलन है दारूबंदी का, ये पिछले 5 साल से चालू किए हैं। हमारे युवा वर्ग संगीता दाई के नेतृत्व में हमने ये आंदोलन खड़ा किया है और आगे भी हम ये आंदोलन चालू रखेंगे और जब तक दारूबंदी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। तो दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी आज की स्त्री शक्ति संगीता पवार का। संगीता, स्त्री शक्ति के मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आप मुझे अपने माता पिता के बारे में, अपने घर के बारे में बताइए। मेरे माता पिता और मेरे बारे में क्या बताना। बचपन से मेरे पिताजी को मैंने देखा है, जिस हालत में देखा है, दारू पी के आना और घर में जो जिस तरह से झगड़े करना, माता जी को मेरे मारपीट करना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डरावनी चीज़ें रही है। वो मिलिट्री में थे और मिलिट्री में थे, वो आर्मी में थे। हाँ जी। तो इसके बावजूद भी वो बहुत शराब पीते थे। जी, उनको मिलिट्री से कम कीमत में वो जो वाइन मिलती है जी, वो वाइन बड़े पैमाने पे पीते जाना। और एक लगभग ऐसा टाइम आया कि जो गाँवठी हाथ भट्टी जो दारू बोलते हैं हम जी, जिसके अभी अभी कुछ 102 लोगों की डेथ हुई, उस टाइप की भी दारू बड़े पैमाने में वो लेने लगे थे। उनके पीने का आपके बचपन पर क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ा, हमारी शिक्षा पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा, मेरी माता जी की मानसिकता पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। वो डिप्रेशन में चली गई थी, उनके टेंशन, यानी वो तो ठीक है, मेरे पिताजी तो ड्रिंक करते ही करते थे, उनके चलते मेरे कदम पे कदम रखते हुए मेरा छोटा भाई जो बस 14 ईयर्स ओल्ड का था, उसने भी वही तरीका अपनाया, उसने भी वो ड्रिंक चालू कर दिया, तो मेरी माताजी पर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर आया और उस डिप्रेशन में चली गई। 14 साल का भाई जो शराब पीने लग गया अपने फादर को देखा देखी, लेकिन उनके पास पैसे कहाँ से आते थे? उसकी जो आदत है दिन ब दिन, पॉकेट मनी के अलावा जो ज़्यादा उसको पैसे लगते तो वो चोरी, छोटी मोटी चीज़ें घर से उठा के लेके जाना, अगर कहीं माँ का पर्स है तो पर्स से कुछ पैसे निकालना, इसका छोटा बड़ा रूटीन था, वो इग्नोर कर देते थे कि चलो लेते भी कितने, 1-2 रुपये या 5-10 रुपये, उस टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था या फिर सोचा भी नहीं था कि ये क्या करता होगा या क्या, यानी वो समझ भी नहीं था। पर आपके पिताजी ने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब की लेकिन आपकी भाई की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, पूरे फैमिली की जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो गई, डिस्टर्ब हो गई, सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी की दारू के कारण। संगीता, पहली बार आपके भाई ने शराब पीनी शुरू कर दी ये आपको कब पता चला? दिवाली का नेक्स्ट डे था, मॉर्निंग से ही मेरा भाई गायब था। हम सब सोच में गिर गए कि सुबह से ये लड़का कहाँ गया, अभी तक आया नहीं, दिन भर उनको ढूंढते रहे और शाम को जब घर पे उसकी राह देखते बैठे, डिस्कशन चलते रहा, तब बाहर से आवाज़ लगाई कि मैं
आ गया हो। मैंने देखा तो सच में वो आया तो था, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े पैमाने में उसने ड्रिंक ली थी, और इतना ही नहीं बल्कि उसके उसके एक जेब में भी बॉटल थी और एक हाथ में भी बॉटल थी। ये जो सिचुएशन है, बड़े ही दर्दनाक सिचुएशन था वो। मेरी मदर जो है, मानसिक संतुलन जो है मेरी पूरी तरह से वो बिगड़ चुका था। एक चार बच्चों को पालते पालते पोसते क्या करती, फैमिली में कोई ऐसा बड़ा सपोर्ट नहीं था, वो एकमात्र मेरी माता ही थी कि जो हमें सबको लेके चल रही थी। और ऐसे ट्रेजेडी में जब पिताजी नहीं है, पिताजी चले गए, तब तक पिताजी चल बसे थे। पिताजी नहीं है, और पिताजी के पश्चात अगर ये लड़का ऐसे करता है, जो कि काफ़ी आशाएं थी मेरी माताजी की, मैं काफ़ी आशाएं लगाए बैठी थी कि मेरा ये जो बेटा है, मैं एक दिन वो नाम रोशन करेगा और मेरा बेटा कुछ ना कुछ बनेगा ज़रूर, वो पिताजी के जैसे उसके नहीं निकलेगा। लेकिन वो उसने जो मंशा थी वो तोड़ दी। क्या शराब की वजह से आपका सब कुछ बिक गया? बचपन तो हमसे छीन लिया गया, बस इस शराब ने हमारा बचपन जो है पूरा छीन लिया। मेरी जो माता है, मेरी माता की जो खुशियाँ है वो पूरी छीन ली गई। इतना ही नहीं, उन्होंने जो भविष्य में वो भविष्य के तौर पे मेरे यानी मेरे भाई को देखा था, वो भी उसका पूरा सपना चूर चूर हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ दारू के कारण। जब आपके नाना को पता चला कि उनके जो जमाई है वो इतना पीते हैं, तो उन्होंने उनसे बातचीत करी? बातचीत की, लेकिन मेरे पिताजी पे कुछ खासा असर दिखाई नहीं दिया। मेरी जो मदर है, मेरी जो माता है, वो काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे शकुंतला के ज़िंदगी में ऐसा भी है, यानी मेरी माता जी का नाम है शकुंतला, कि ऐसे उनके लाइफ में हो सकता है। बड़ी चिंताएं सताई जा रही थी, वो भी बहुत ही कम समय में चल बसे। जब बच्चे अपने माँ बाप से कुछ कहते हैं तो आपके माँ बाप सुन लेते हैं और नशा छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों में ताकत होती है। तो आपने और आपके भाई ने, जब आपके भाई ने शुरू नहीं की थी शराब पीनी, तब आप दोनों ने कभी उनसे बात की कि आप पिताजी इतना क्यों पी रहे हैं, हम पर असर हो रहा है, माँ पर असर हो रहा है, घर पर असर हो रहा है? उनके सामने खड़ा भी होना बड़ी बड़ी ताकत वाली बात थी, क्योंकि मेरे पिताजी की यानी जो पर्सनैलिटी थी, वो जो हाइट और जो उनका स्वभाव था, आतंक सा था घर में। एक तरह का जैसे वो टेंशन वाला जो माहौल रहता, मेरे पिताजी के सामने हम ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पाते थे जी। बात करने की तो बात ही अलग है, अगर वो ड्रिंक करके रहते थे तो पता नहीं किसको पकड़ के मार दे। तो हमने तो कभी ऐसे उनको रुकाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी होती जा रही थी, मैंने सोचा कि इस ये जो हो रहा है, हर दिन मेरी माता जी को जो पिताजी मार रहे, हमने कहीं ना कहीं इनको रोकना चाहिए करके एक दो बार उनसे मैंने रियली रिक्वेस्ट की कि बस करो, बहुत हो गया, अब नहीं, बहुत मर जाएगी एक दिन, ये उनको बताने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो एक पिता का प्यार बेटी को मिलता है, वो प्यार आपने कभी अनुभव किया ही नहीं? किया ही नहीं जी, बिल्कुल। ये जो मेरा संघर्ष है उन लोगों के लिए है जिनको माता का प्यार नहीं मिल पाता, पिता का प्यार नहीं मिल पाता, ब्रदर का यानी भाई का प्यार नहीं मिल पाता, लगभग पूरे फैमिली जो डिस्टर्ब होती है, वो एक में वो रीज़न है उसका दारू। तो इस दारू को अगर हटाते हैं तो जरूर महिलाओं को कुछ ना कुछ इसका ही होगा। हिंसा ये आपके बचपन का हिस्सा रही है, आप के फादर थोड़ा वायलेंट हो जाते थे शराब के बाद, मारपीट करने लगते थे, तो पास पड़ोसी के लोग आकर बचाते नहीं थे या उनको समझाते नहीं थे? नहीं, कोई नहीं। हमने कई सारे आजू बाजू में बोलते थे कि प्लीज चलो, मेरे मम्मी को मार रहे मेरे पिताजी। तो रियली मैं बताऊँ, कोई नहीं आ रहा था आगे, कोई नहीं। बस समाज जो है, हम बोलते हैं कि समाज जागरूक समाज रहना बहुत ज़रूरी है, और उस टाइम शायद से जागरूक समाज नहीं था, और आज के दौर में भी जागरूक समाज बहुत ही कम प्रतिशत दिखता है। आपको नहीं लगा, क्योंकि आपकी उम्र 10-12 साल की थी, तो उस समय आपको नहीं लगा कि हमें पुलिस पे जाना चाहिए और कंप्लेन करनी चाहिए कि अत्याचार हो रहा है घर? हाँ जी, कम उम्र में भी मुझे ऐसे लगता था कि पुलिस के पास जाना चाहिए, उनका सपोर्ट लेना चाहिए। बहुत ही दुख होता है, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब हम गए तो उन्होंने यही कहा कि ये फैमिली मैटर है और फैमिली मैटर में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, तो मेरी माता को भी बोलने लगे थे कि ये तो तुम्हारे पति के खिलाफ तुम यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आई हो, ये तो गलत है, आज नहीं तो कल आप एक हो जाओगे, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो खाली हाथ हम वहाँ से वापस लौटते थे। इससे क्या होता था कि मेरे पिताजी
का डेरिंग और बढ़ जाता था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं, बढ़ जाती थी उनकी कि हमें तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, कोई मुझे बता यानी बोल नहीं पाता था, ऐसा कोई नहीं था जो प्रेशर रखे। तो ऐसे बीच में मुझे बहुत अलग अनुभव आए पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में रहो या फिर समाज के बारे में। संगीता, एक बार आपके पिताजी ने आपकी माताजी पर हमला किया था जिससे उन्हें बहुत बड़ी चोट आई थी, तो वो हादसा क्या था वो हमें बताइए। वो फेयर का टाइम था और मेरे पिताजी कुछ छोटा सा रेडियो का इंस्ट्रूमेंट जो था वो कुछ कर रहे थे काम उनका, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई। तो उस बीच में मेरी माता ने कुछ तो भी बोला था कि मंजू जल्दी आओ करके आवाज़ दिए, उस बीच में उनके हाथ से गलती हुई, खुद के हाथ से गलती हुई, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल जो ठहराए तो मेरी माता जी को ठहराए, मेरी माँ को रिस्पॉन्सिबल ठहराए। और उसी समय उठ के फटाक से उठे और छोटी एक बाल्टी थी वहाँ पे, वो बाल्टी लेके उस पिताजी ने मेरे माँ को सर पे मार दिया। 12 टाके गिरे थे, इतना ब्लीडिंग हुआ मेरी माता को बहुत ज्यादा। उस समय वो दारू के नशे में थे पिताजी कि उस समय ठीक थे? बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन थे। दोस्तों, माँ बाप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसका गहरा असर पड़ता है उनके बच्चों पे। संगीता के भाई पे पिता के शराब पीने की आदत का क्या असर पड़ा ये तो हमने देख ही लिया है, सुन लिया है, लेकिन संगीता पे इसका क्या असर पड़ा ये जानने के लिए देखते रहिए स्त्री शक्ति। हम जल्द ही लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आज हम बातें कर रहे हैं संगीता पवार से, जिनसे उनका खुशहाल बचपन छीन लिया गया इनके पिता के शराब के नशे ने। संगीता जी, आप ये बताइए कि आपके 4 भाई बहन थे, वो जो छोटी बहनें थी आपकी, 2 छोटी बहनें, उन पर क्या असर था? वो उन पर तो कुछ खासा असर नहीं गिरा क्योंकि बहुत छोटे थे, ना कुछ समझ में आ रहा था। बस इतना है कि वो पिताजी का प्यार उनको नहीं मिला, जो खुशहाल फैमिली वो देखना चाहते थे या फिर उनको मिलने का वो हक था वो नहीं उनको मिला। तो उन दोनों को कितनी उम्र थी आपकी दो छोटी बहनें? छोटी तो मेरी बहुत ही छोटी थी, लगभग 3.5-4 महीने की सबसे छोटी थी, 2.5 साल की उससे बड़ी बड़ी बहन। संगीता, आपने बताया कि आपके घर में टेंशन वाला माहौल था, तो आपने पढ़ाई कैसे करी? बहुत ही कठिन था उस माहौल में पढ़ाई करना जी, मारपीट वाला माहौल, मेरी माँ को पिताजी मारने के बाद का जो माहौल था पूरा टेंशन वाला रहता था। पढ़ाई उस दौरान होने की कोई चांसेस ही नहीं थे। सपोज अगर मेरे शाम का वक्त है, पिताजी आए खाना खाने बैठे, उस दौरान अगर हमने हम 4 में से एक ने रोना भी थोड़ा चालू कर दिया तो समझ लो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, और होता ही था। इस समय ना हमारी पढ़ाई होती थी, कुछ नहीं, हम तो माँ को पकड़ के सब मेरी माँ रोने लगती थी, माँ रो रही करके हम भी उसको पकड़ के हम सब जन रोते थे। संगीता, अब मुझे बताइए आप कहाँ तक पढ़ी हैं? बैचलर ऑफ आर्ट, देन आफ्टर DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। इतना कुछ कर लिया है आपने इतनी मुश्किल जिंदगी के जीने के बाद भी। ये जो सिचुएशन से हम जो गुजरे, ये सिचुएशन उस टाइम नहीं होती तो मैं तो आपको श्योरली बता दूँ, बहुत ही अच्छा एजुकेशन लेके आज बहुत बड़े किसी पोस्ट पे रहते थे, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन जो आप काम कर रही हैं और जो आपने किया है, जो हम सब दर्शकों को बताएंगे, वो कम काम नहीं है, वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। और उस काम करने के लिए जो ताकत और हिम्मत और शक्ति आपके अंदर है वो कितने पढ़े लिखों के अंदर नहीं है। लेकिन एक मुझे आप बात बताइए जो मैं सोच रही हूँ जिसके बारे में, पिताजी के आखिरी दिनों में कभी ऐसा आपको फील हुआ कि उनको एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी? जब उनकी तबीयत पूरी तरह से खराब हो गई, जब उनको लगा कि मैं अब ज्यादा दिन बचने वाला तो हूँ नहीं, तब उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे फैमिली में आज जो भी ट्रेजिडी हुई है, फिर मेरे फैमिली में जो आज ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि ना मेरे से मेरे छोटा बेटा मेरे से ढंग से बात करने लगा, डरे सहमे से रहते थे तो उनसे हमारी बात करने की तब भी हिम्मत नहीं थी, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरे ही कारण है। और उन्होंने माफ़ी मांगी मेरी माँ से, पैर पकड़ के माफ़ी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ़ करने वाले तो कोई बात ही नहीं, तो सब कुछ तो चला गया था, अब लास्ट टाइम में माफ़ करने और ना करने से क्या फ़र्क गिरता था। मेरी माँ उस टाइम भी रोने लगी, जब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मेरे माँ के बस आंसू ही निकले। आपकी जिंदगी में वो मोड़ कब आया जब आपने ठान लिया कि अब मैं शराब और शराब के नशे के खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहूंगी?
मैं 12 साल की थी तब। उससे पहले भी काफ़ी बार ऐसे लगता था कि ये दारूबंदी, ये दिमाग में नहीं था मेरे। मुझे ऐसे लगता था कि दारू के कारण मेरे पिताजी ऐसे बर्ताव करते हैं। अगर उन्होंने दारू नहीं पिए तो बहुत अच्छे से रहते, सबसे हंसते खेलते, सबसे बच्चों को पास में लेके बैठना, सब स्टडी के बारे में पूछना। इतना ही नहीं कि मेरी माँ से भी उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहता था। ये शराबी ऐसी चीज़ है कि जो मेरे पिताजी को जो है ख़राब कर दे रही है, इंसान से हैवान बना रही है, तो ये शराबी है ऐसा उस टाइम भी लगता था। लेकिन इतना मैच्योरिटी, इतनी बड़ी मैच्योरिटी नहीं थी या फिर इतनी समझ नहीं थी, लेकिन दारू ख़राब है ये मुझे उस टाइम में पता था जी। और लोगों ने दारू नहीं पीना चाहिए ये मुझे लगता था, ये नहीं लगता था कि दारू बंदी होना चाहिए। जैसे मैच्योरिटी आ गई, जैसे थोड़ा सा एजुकेशन बढ़ा, समाज के कुछ लोगों, अलग अलग स्तर के लोगों से जब परिचय होने लगा, उनसे बातें होने लगी, तब मुझे ऐसा लगा कि अरे अगर डिस्ट्रिक्ट में दारू बंदी रही तो बहुत इससे इफेक्ट हो सकता है। आपके घर में जो माहौल था, तो ऐसा ही माहौल कि आपके आस पड़ोस में भी था या आपके गाँव में भी था? मेरे पूरे एरिया में था, लगभग एरिया के 30% लोग ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा दारू पी कर आना, उनकी पत्नी को मारपीट करना, बच्चों को मारपीट करना। तो जब आपने ठान लिया कि अब मैं कदम उठाऊंगी दारू बंद करने के लिए, इस नशे को बंद करने के लिए, इस धरती से निकालने के लिए, इस गांव से निकालने के लिए, तब आपने पहला कदम क्या उठाया उस वक्त? कई सारे लोगों से मैंने डिस्कशन किया, खास करके कुछ महिलाएं, मुझे कहीं से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। इतना ही नहीं, मेरे फैमिली में भी किसी ने मुझे इस चीज़ के बारे में सपोर्ट पहले नहीं दिया। सब बोल रहे थे कि उचित नहीं है, महिला अगर हमारे संस्कृति में ऐसी कई महिलाएं बाहर नहीं जाती और आप जो हो कि प्रवाह के विरुद्ध दिशा में तैरने की सोच रहे होते, ये गलत है। अगर मैं कुछ छोटा बड़ा कदम भी उठाती थी तो पटक से मुझे रोक देते थे कि बस करो, बहुत हो गया, इसका जो रिजल्ट है बहुत ख़राब आएगा। हमारे दादा है उमेश मेश्राम करके, मुझे ऐसे लगता था कि वो इसके संदर्भ में पॉजिटिव है क्योंकि उनके पिताजी भी दारू से ही गए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं उनको ही टारगेट करती थी, मैं बार बार जाके उनको ही बोलती थी कि दादा हमें दारूबंदी करना है, आपको सपोर्ट करना है। और फिर उन्होंने घर में सबको एक जगह बिठा के बातें की, बोले देखो इस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ है, पिताजी गए और जो भाई है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं इसके बाल मन पर, इसके परिणाम इसका हुआ है और ये चुप बैठने वाली है नहीं, तो बेहतर है कि इसे हम सपोर्ट करें। अगर नहीं करते हैं तो ये, इसने तो धमकी दी है कि आप नहीं अगर हमें सपोर्ट करते तो हम, फिर भी मैं अकेली निकलूंगी, तो इससे अच्छा अगर हम अच्छा काम कर रही है तो इसे हम सपोर्ट करना चाहिए। तो पहला सपोर्ट सच में बताऊँ, मेरे जो आशाओं की पहली किरण जो रहती है वो मेरे दादा के तहत मुझे मिली थी। उन्होंने कहा बिल्कुल बिंदास करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जब भी मेरी ज़रूरत लगे मुझे हरदम आवाज़ देना, मैं आपके साथ हूँ। एक्चुअली दारूबंदी व्यसन मुक्ति आंदोलन में उतरने की मेरी सबसे बड़ी वजह ये रही कि मेरे घर में मेरे पिताजी थे, एक दिन उनको पैसे मिले, उस पैसे में आधे से ज्यादा पैसों की दारू पीकर आए। वो जैसे ही घर में पहुंचे, घर में पहुंचते ही वो खटिया पर लेट गए, फिर मैं जैसे ही पानी लेके उनको खटिया पर से उठाने को गया, धड़ दिशा गिर गए, गिरते ही आधे घंटे के अंदर उनका देहांत हुआ। ऐसे कंडीशन में मेरा छोटा भाई भी शराब बहुत ज्यादा पैमाने में पीने की वजह से वो भी गुजर गया। उस वक्त मुझे रोज रात दिन मुझे नींद में ये सवाल सताता था कि शराब बंदी होनी चाहिए, और शराब बंदी के लिए जब संगीता पवार नामक एक लेडी यहाँ यवतमाल जिला दारू बंदी होनी चाहिए इस मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ रही थी, उस वक्त मुझे लगा कि सही मायने में अब यवतमाल जिले को न्याय मिलने वाला है। इस आंदोलन में हमने पूरी जान फूंक दी। आज देखते ही देखते 4-5 साल में 1480 गाँव इसमें उतर गए और यह आंदोलन पूरी देश में अभी दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन की पूरी देश में चर्चा हो रही है। यवतमाल जिला पूरी तरह शराबबंदी नहीं होता तब तक इस आंदोलन को हम पूरी ताकत से चलाते रहेंगे, चाहे फिर हमारी उस आंदोलन में जान क्यों न जाए। तो दोस्तों, इस पहल में दादा ने संगीता का साथ दिया, दादा के लिए जोरदार तालियां। ड्रग्स कब्जा करता है आपके दिमाग पर, फिर धीरे धीरे आपकी हेल्थ पर, हो सकता है आप HIV के शिकार बन जाएं।
ड्रग्स का साथ है जीवन भर का अभिशाप। जिंदगी से प्यार कीजिए, ड्रग्स से इनकार कीजिए। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। हम बात कर रहे हैं हमारी आज की स्त्री शक्ति संगीता पवार से। संगीता, अब आप हमें अपने आंदोलन के बारे में बताइए। ये आंदोलन मेरे उम्र के 12 साल से ही मैंने डिसाइड किया था मुझे कुछ करना है दारूबंदी के संदर्भ में, जैसे कि मैं लोगों में अवेयरनेस लाना चाहती थी। पथनाट्य के माध्यम से मैं लोगों में अवेयरनेस लाना चाहती थी। बट जैसे ही इलेक्शन पीरियड आ जाता है, जिन लोगों ने दारू छोड़ी है, जिन पर वो पथनाट्य का असर हुआ है, जैसे ही इलेक्शन आते तो उससे कई ज़्यादा डबल गुना से वो लोग ज़्यादा ही दारू पीने लग जाते थे। फिर मैंने मेरा थीम चेंज कर दिया। लोगों में अवेयरनेस लाने से ही ये काम नहीं हो पाएगा। हमें ये जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार को हमें बताना चाहिए कि अगर हम दारू सही मायने में अगर ये इससे दूर रखना चाहते हैं लोगों में, जो समाज में हम जो अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कैंपेन्स हैं जिसके तहत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बट उसका एक जो ग्रास रूट पे जो होना चाहिए वो अवेयरनेस होना चाहिए वो नहीं होता। उसकी जो अलग अलग स्कीम्स रहती वो स्कीम्स का बेनिफिट वो निचले स्तर के लोगों को नहीं मिलता, जबकि इफेक्टेड वही लोग हैं। मुझे आप ये बताओ संगीता कि जब आप लोगों को नशा छोड़ने के लिए कहती हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है, विरोध करते हैं लोग? बहुत ज़्यादा विरोध होता है। और कई सारे लोग ऐसे होते कि मैडम आप पहले दारूबंदी कर लीजिए, फिर हम दारू ही नहीं मिलेंगे तो हम पिएंगे कहाँ से। अब ऐसी नौबत आ गई है मैडम कि अगर हमें दारू मिलती है पता है तो हम खुद को रोक नहीं पाते। वो बोलते कि हमारे कदम फिर से दुकान की ओर चल निकलते, अगर दुकान ही बंद रही तो हम जाएंगे कहाँ, हम दारू पियेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे मन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। जब आपने किसी को कहा दारू छोड़ने के लिए, व्यसन छोड़ने के लिए, और उन्होंने आपकी बात मान ली, तो ऐसा कोई हमें किस्सा बताइए। घर के जस्ट बाजू में तीसरे नंबर का घर, जो घर के मुखिया है वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में दारू लेते हैं। मैंने उनको कहा कि देखिए मेरी फैमिली आपके नज़रों के सामने खराब होते हुए पूरे डिस्टर्ब होते आपने देखे, फिर भी आप वही कदम उठाने जा रहे हो। जैसे आज हम हमारे पिताजी को कोसते कल चल के आपके बच्चे आपको कोस देंगे, तो भलाई इसी में है। बेहतर तो यही होगा कि आपने दारू छोड़ देना चाहिए। और रियली बताऊँ उन्होंने तब से दारू आज तक छुई तक नहीं है। ये वो मेरा पहला अचीवमेंट था। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस है कि मैंने उन लोगों को बताया और उन्होंने सुना। पहले बहुत दारू पीता था, जितने कमाता था उतने बजे में दारू पीता था। संगीता ताई ने बोला जब से छोड़ दिया अब बहुत फायदा हो रहा। तो संगीता आपके प्रयासों के लिए और जिन्होंने दारू छोड़ी आपके कहने पर उनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। अब तक कितनी औरतें आपके इस आंदोलन में आपके साथ जुड़ी हैं? लगभग 70,000 से 75,000 महिलाएं मेरे इस आंदोलन में जुड़ी है। 70,000 से 75,000? यस, मैंने एक छोटा सा मोर्चा निकाला था। यवतमाल के इतिहास में किसी पॉलिटिशियंस या फिर किसी भी कम्युनिटी या फिर किसी ने आज तक इतना बड़ा मोर्चा नहीं निकाला, वो इतिहास मैंने ब्रेक किया है। कलेक्टर को घेराव आंदोलन था, तो मैं आपको बताऊँ 50,000 महिलाएं उस समय मेरे साथ थी। 50,000 महिलाएं और नारे लगाते हुए आई। तब मुझे लगा कि यस आई विल विन, मैं ये कर सकती हूँ, मैं करूँगी ज़रूर, सब मेरे महिलाएं मेरे साथ में है। तो मैं मेरी जो हिम्मत है और भी ज़्यादा बढ़ गई और मैं डट के अभी मैं खड़ी हूँ कि यस अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट लिकर फ्री होगा ज़रूर। आप दारू को बंद करवाना चाहती थीं, तो कभी दारू के ठेकेदारों ने आपका विरोध किया, आप पर कोई हमला किया या धमकी दी आपको? जी बिल्कुल ऐसे हुआ है। जैसे मैंने पहली दारू की भट्टी बंद की थी, एक गवर्नमेंट का 2008-2009 का अधिनियम के तहत हम गांव कस्बों में इलेक्शन लेके उसमें अगर 50% अगर दारूबंदी के संदर्भ में अगर वहाँ पॉजिटिव अगर वहाँ पे वोटिंग होते हैं तो वो
गांव जो है वहां पे अगर लाइसेंस धारक दुकानें रहे या फिर बियर बार रहे वो हट सकती है। तो ऐसे पहला मैंने हटाया था दारू का दुकान जो 80 साल पुराना था, सॉरी 70 साल पुराना था। 70 साल पुराना, हाँ। तो हटाने के बाद जैसे ही वहां का सेलिब्रेशन हुआ उस गांव का, बहुत काफी महिलाओं ने जल्लोश किया, बैंड वो गुलाल उधर, बहुत अलग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो प्रोग्राम होने के बाद मैं यवतमाल की दिशा से मैं अपनी कार में निकली तो देखा एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो और कम से कम उसमें 25 ऐसे खूंखार टाइप के लोग तलवारें लेके उन्होंने हमारी गाड़ी रुका दी। तो एक समय के लिए मैंने सोचा कि अब मैं एंड, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के कहा कि आप बिंदास मारो लेकिन एक बात आप सुनो, अगर मैं यहाँ पे मरूंगी, आपने अगर मेरे कुछ थोड़ा सा भी मुझे धक्का लगाने की कोशिश की तो मेरे हर एक गांव में मेरी महिलाएं और जहाँ जहाँ आपके आपके घर है वो घर जलाएंगे आपके पूरे परिवार को लेके। ये बस इतना मैंने कहा, उनको क्या लगा पता नहीं, उन्होंने साइड दे दी। कहीं ना कहीं उनको भी डर सताने लगा होगा कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकती, ये बहुत ताकतवर महिलाएं हैं। ये बहुत ही भयानक अनुभव था मेरे जीवन में। उस दिन से लेके दो दिन तो सच में मुझे नींद ही नहीं आई, लेकिन छोटे बड़े ये मुसीबतें आते रहेगी ऐसे मुझे दादा ने बताया था। दादा मुझे हरदम सपोर्ट करते, उन्होंने कहा था कि ये तो छोटी मोटी आती रहेगी, ये तो क्या, अब तो एक गांव के अगर दारूबंदी करते समय इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट जब बंद करने निकलोगे तो इससे भी कई सारे बड़े प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना होगा, तो आपको प्रिपेयर होना है। मैंने बोले ओके नो प्रॉब्लम। संगीता आप मुझे बताइए कि आगे अब आपका क्या मकसद है? मैं पूरा महाराष्ट्र ही दारू मुक्त देखना चाहती हूँ, ताकि यवतमाल जिला ही नहीं कई सारे ऐसे राज्य है, पूरा राज्य ही अफेक्टेड है। कोई बोलता है कोई बोलते नहीं, किसी किसी की मंशा होती है कि बस मेरा परिवार खुश रहे, किसी को लगता कि मेरे हस्बैंड पीते नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है इस आंदोलन में जाने की। लेकिन उन्होंने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज मेरे पति नहीं पी रहे लेकिन क्या गारंटी कि मेरा बच्चा पिएगा नहीं। तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम सब ने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और अच्छा ये समाज में विकृति फैलाने वाला एक रोग है, इसको हम दूर रखने के लिए हर कोशिश करना चाहिए। संगीता वाकई में आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक और बहुत बड़ा काम कर रही हैं। इतने सारे परिवारों को आप डूबने से बचा रही हैं, इतने सारे बच्चों को आप एक एक नई दिशा दिखा रही हैं। उसके लिए मैं स्त्री शक्ति की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से आपको सैल्यूट करती हूँ। जोरदार तालियां एक बार फिर से संगीता पवार हमारी स्त्री शक्ति के लिए। शराब की वजह से सभी स्टूडेंट इस लत को लगे पीछे लगे शराब के पीछे लगे हुए है और ये भविष्य में जिनके हाथ में देश है या अगर ये पीढ़ी ये जवान लड़के स्टूडेंट अगर इस शराब के पीछे लगने से देश को बर्बाद कर सकते हैं और इनके खुद की फैमिली भी बर्बाद हो सकती है, इसलिए शराब बंद होना चाहिए। संगीता ताई पवार के नेतृत्व में हमने जो आंदोलन शुरू किया इसके तहत जहाँ जहाँ भी हमें बुलाया गया महिलाओं ने हमारा हेल्प मांगी तो हम वहाँ जाते थे, और ऐसा नहीं कि हम दिन में जाते थे, रात में भी जाते थे और कई एक एक दो दो बजे हम मीटिंग किए। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमारे ऊपर अटैक करने का प्रयास किया गया, कार्यकर्ता अपने जान की परवाह न करते हुए भी ऐसे ऐसे जगह जाते थे और इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हमारे युवा वर्ग संगीता दाई के नेतृत्व में हमने ये आंदोलन खड़ा किया है और जब तक दारूबंदी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। कहते हैं पहले हम अपनी आदतों को अपने बस में करते हैं और फिर वो हमें अपने बस में कर लेती है, लेकिन ये आदतें आती कहाँ से हैं और क्यों हैं और इनसे छुटकारा पाएं तो कैसे पाएं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे एक खास मेहमान से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। हम बात कर रहे हैं हमारी आज की स्त्री शक्ति संगीता पवार से। दोस्तों, शराब पीने से कई पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने कई नियम बनाए हैं जिनका उल्लंघन करना कानूनन अपराध है और सजा कठोर। इन्हीं नियमों पर चर्चा करने के लिए हमने एक्सपर्ट को इस शो पे बुलाया है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए साइकियाट्री और ड्रग डी एडिक्शन की प्रोफेसर डॉक्टर शिल्पा अडारकर को। शिल्पा जी, आप हमें बताइए कि ड्रग्स, शराब,
सिगरेट स्मोकिंग, इस सब का नशा हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक है? मैं एक KM अस्पताल के व्यसन मुक्ति केंद्र में काम करती हूँ, तो ऐसे हज़ारों पेशेंट्स पिछले 23-24 साल से हमारा सेंटर चल रहा है तो हमारे यहाँ आते हैं। और शुरुआत तो किसी एक वजह से होती है, जैसे दोस्तों के साथ या किसी हादसे के बाद या ऐसे ही मज़े लेने के लिए। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तब उनकी जो नशा है उसकी बीमारी बन चुकी होती है। और नशे की बीमारी का मतलब ये है कि अभी नशा लेने के बाद भी तकलीफ़ें होती है, नशा नहीं लो तो भी तकलीफ़ें होती है, और साथ साथ नशे का जो असर अपनी ज़िंदगी पर पड़ता है वो, जिसमें सबसे पहले तो शारीरिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे शराब का लेंगे तो लिवर पर असर होता है, नसें ख़राब होती हैं, नसें ख़राब हो जाने से सारी संवेदनाएं कम हो जाती है, तो किसी ने काटा या कुछ ज़ख्म हुआ या कहीं लगा तो समझ में नहीं आता। देखिए हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज तंबाकू से लेकर जो भी है, तंबाकू से जुड़ी सारी नशाएं, जैसे सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, मशहरी हो, खैनी हो, जर्दा हो, सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा है। फिर शराब तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर आजकल आपने नाम सुने होंगे जो पार्टी में पार्टी ड्रग्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें मेथैम्फेटामिन, MD जैसी चीज़ें आती हैं, और इनमें आजकल की युवा पीढ़ी इन चीज़ों में, जैसे हम कहते हैं ना कि शराब से और तंबाकू से ग्रेजुएशन चरस, गांजा और ऐसी चीज़ों में हो गया, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आगे वाली और ख़तरनाक नशाओं में हो गया, तो वैसे वो बढ़ते जाता है। आपने अपने काम में किस तबके के लोगों को देखा और किस उम्र के लोगों को ज़्यादा देखा है? 7 की उम्र से 75 की उम्र तक सारे रेंज वाले पेशेंट्स आते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल हम 20 या इवन कॉलेज की उम्र के पेशेंट जाते हैं, बच्चे हैं। लेकिन पिछले 7-8 सालों से ऐसा हो रहा है कि रेव पार्टी, आपने सुना होगा नाम, तो जहाँ पर रेड होती है और फिर वहाँ बच्चे पकड़े जाते हैं क्योंकि वो ड्रग्स पीते रहते हैं अलग अलग तरीके के, और जो नारकोटिक ड्रग्स है, एक एक्ट है हमारे यहाँ, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको एक्टिव सब्सटेंसेज एक्ट, जिसको NDPS एक्ट कहा जाता है। तो वो NDPS एक्ट के अंदर जो भी आता है, अगर वो आप ले रहे हो या वो आपके हाथ में है, तो आप उस एक्ट के अंदर अरेस्ट हो सकते हो। तो जो रेव पार्टी पे रेड होती है, वहाँ से जो पकड़े जाते हैं वो सारे युवा पीढ़ी हमारी, मतलब वो एक रिप्रेजेंट करते हैं आज की पीढ़ी को। आप मुझे बताइए संगीता, आपका क्या कहना है? कोई भी नशा रहो, वो पहले आपके बॉडी से ही ज़्यादा, पहले मेरे ख्याल से, मुझे ऐसे लगता है कि आपके दिमाग पर पहले असर करता है, और दिमाग जो है वो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है। जस्ट लाइक यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जो है सुसाइड डिस्ट्रिक्ट करके बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे भारतवर्ष में बस एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए हैं। नियर अबाउट 90% जितने भी सुसाइड हुए हैं उनका अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर देखते हैं तो उन्होंने अल्कोहल लिया हुआ है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो अल्कोहल लेने के कारण उनकी मानसिकता चेंज हुई हो। इसको हम जजमेंट कहते हैं, या परिस्थिति में अब क्या करना चाहिए, इसका हम विचार करके करते हैं कि ये मैं करूँगा तो इसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो वो जो क्षमता है वो चली जाती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है। जो एज लिमिट है वो है कि 25 साल के बाद, तो आपको क्या लगता है कि ये सही उम्र है? जो भी लॉ है या जो भी कानून है, लोग तो उसके पहले ही शुरुआत करते हैं, और इतना तो ध्यान नहीं रखते कि अच्छा मेरी उम्र 21 है तो मैं तो नहीं पी पाऊँगा, तो या तो पार्टी में जाएंगे नहीं या घर जाएंगे तो पियेंगे नहीं, इतना तो कोई फॉलो करता नहीं। ऐसे लगता है लोगों को कि अगर मैं दोस्तों के साथ हूँ और अगर वो ले रहे हैं तो उनके ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए मुझे इस चीज़ को लेना जरूरी ही या है। तो एक्सेप्टेंस के लिए भी होता है ना, कितनी बार मतलब वो मैं एक्सेप्टेड हूँ इस ग्रुप में, इस ग्रुप में एक्सेप्ट अगर मुझे होना है या वो ग्रुप में मुझे बनाए रखे, मुझे अलग ना कर दे, इसके लिए मुझे इनकी तरह बनना है। जी डॉक्टर शिल्पा, आप यहाँ आई, इतनी सारी बातें आपने हमें बताई, हमें जागरूक किया और दर्शकों को बताया, उसके लिए हम स्त्री शक्ति के मन से धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।
दोस्तों, स्त्री शक्ति की लहर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी फैल गई है, क्योंकि हमें ढेरों मैसेजेस ईमेल्स के द्वारा भेजे गए हैं। कुछ मैसेजेस मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दोस्तों, अमृता कॉल टोरंटो कनाडा से हमें लिखती हैं कि इन्होंने प्रियदर्शनी टैक्सीज वाला एक हमारा एपिसोड देखा और वो बहुत प्रभावित हुई। एक मेल आया है हमें सीमा, जो दिल्ली से हैं। उनका लिखना है कि मैं आपका हर एपिसोड अपनी फैमिली के साथ देखती हूँ और हर एपिसोड में हम सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यश आनंद हमें लिखते हैं कि आपका शो एक सार्थक पहल है समाज में स्त्रियों को एक विशेष पहचान देने के लिए, और हमें ढेर सारी शुभकामनाएं भेजते हैं। हम भी अपने दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू कहना चाहते हैं। हमारे अनेक दर्शकों में से एक ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने अपने संघर्ष की कहानी हमें भेजी। देखिए सुनीता तिवारी की कहानी। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता तिवारी है। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PhD और BEd डिग्री प्राप्त किया है। जन्म के 11 महीने के बाद ही मुझे पोलियो हो गया था। मेरे माता पिता को उस समय पोलियो नाम की चीज़ के बारे में मालूम भी नहीं था, लेकिन फिर भी आज से 40 साल पहले जब लड़की जन्म पे ही लोग दुखी हो जाते थे, उस परिस्थिति में भी मेरे माता पिता ने मेरे जैसी लड़की को पढ़ाया लिखाया और समाज में एक स्थान दिलाया। इस चीज़ को मतलब कहा ही नहीं जा सकता है। मेरी शादी हुई श्री राजेश तिवारी जी से। और अप्रैल 2010 में मेरी बेटी प्रगन्या पैदा हुई। अपनी विकलांगता को लेकर मुझ में न तो कोई शर्मिंदगी है, न तो कोई बेचारगी, और न ही कोई शिकवा शिकायत ईश्वर से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, लेकिन ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक खास मेहमान से। वो खास मेहमान कौन होंगे देखते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी आज की स्त्री शक्ति संगीता पवार से। दोस्तों, इस विषय पर और चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो पर बुलाया है जाने माने टेलीविजन कलाकार सचिन श्रॉफ को। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सचिन, सबसे पहले स्वागत है स्त्री शक्ति के मंच पर। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर मिला एक ऐसे मंच पर आने का जहाँ पर स्त्रियों की पर्सनल प्रॉब्लम्स और उनकी लाइफ के बारे में बहुत सीरियस लेवल पर डिस्कस किया जाता है। मैं ये कई बातें व्यक्त करना चाहूँगा जो कई लोग एज मेन जो समझ नहीं सकते हैं, तो मुझे ये मौका मिला है, मैं इसके लिए आपको दिल से शुक्रगुजार देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप जिस ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हैं वहाँ पर सोशलाइजिंग करना, वहाँ पर ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना एक आम बात है जी, और नेटवर्किंग के लिए लोग ये सब बहुत करते हैं जी, तो आपकी राय क्या है इसमें? इंडस्ट्री में सोशलाइज करना ठीक है, लेकिन उसके लिए ड्रिंक करना या स्मोक करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप करते भी हैं तो आप उसे उतने लिमिट तक ही रखिए कि वो आपकी आदत ना बन जाए। मैंने इनकी कहानी सुनी, एक किस्सा हमारे फैमिली से भी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जो मेरे कज़न, मेरे डैड के कज़न भाई हुआ करते थे, जो उस ज़माने में बहुत, उनके पास बहुत पैसा था उस ज़माने, वो करोड़पति माने जाते थे, लेकिन उनके बेटे को शराब की ऐसी आदत लगी कि सुबह उठते उनको शराब चाहिए होती थी और रात को सोने तक वो सिर्फ शराब पीते थे। उनको ये आदत करीबन 14 या 15 साल के जब वो थे तब लगी थी, और जब वो 28 साल के हुए तब तक उनके बंगले, उनके गाड़ियाँ, उनकी फैक्ट्री सब नीलाम हो गई, और आखिर में वो एक छोटे से चौल में रहते थे और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। एंड मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे फादर साइड से और मदर साइड से कोई शराब को हाथ नहीं लगाता। आपकी फैमिली के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। सचिन, एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करके एक टर्म जो अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आपके हिसाब से इसके क्या मायने हैं? रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग सही मायने में उसकी कोई सीमा नहीं है।
क्योंकि हर इंसान को जब वो शराब पीता है तो उसे ये लगता है कि हाँ मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शराब पी रहा हूँ, मैं एक पैक पीऊँगा या दो पैक पीऊँगा या तीन पैक पीऊँगा, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि वो आपको कब उसका नशा चढ़ जाए, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी उसकी हम ये नहीं कह सकते कि आप रिस्पॉन्सिबली पियो। अगर आप रिस्पॉन्सिबली पी रहे हो तो सबसे पहले आप अगर पी रहे हो तो अगर आप वायलेंट हो जाते हो पीने के बाद तो आप शराब को तो हाथ लगाना ही छोड़ दो जी, क्योंकि उससे आपके घर की बर्बादी है। दूसरी बात, शराब पी के गाड़ी चलाना इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, कभी भी नहीं। तो अगर आप शराब पी रहे हो तो उतनी पियो जितनी आप हजम कर सकते हो, या तो पियो ही मत। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने घर में बच्चा आने के बाद शराब और सिगरेट दोनों को छोड़ दिया, शायद उन्हें लगा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से शराब पीना उन्होंने बंद ही कर दिया। बंद ही कर दिया है। तो आपके उन दोस्तों के लिए जोरदार तालियां। हमारे सिस्टम को और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, या तो फिर अगर वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते तो फिर शराब पे बैन लगा दें। जैसे आपने कहा कि सिस्टम जब काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ये दिखता नहीं है। अगर ऐसे रहता तो 102 लोगों की जानें नहीं गई रहती। एक्साइज डिपार्टमेंट अगर बनाया गया इस पर जो इनलीगली जो दारू है इसके संदर्भ में कार्यवाही करने के लिए इनको बनाया गया, तो अभी तक इन्होंने क्यों नहीं ये पकड़ी दारू। एक्साइज डिपार्टमेंट में अगर एज अ कॉन्स्टेबल हूँ मैं हूँ तो मेरा काम मुझे सच में पता नहीं रहता। वहाँ पे आप अगर एक्साइज डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो बोलते ये तो क्राइम से बिलोंग करता है, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए। पुलिस डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो वो बोलते ये दारू पकड़ना काम हमारा नहीं है, एक्साइज का है। मीन्स इन दोनों के बीच में झगड़े है, या फिर इन दोनों को भी पता नहीं है कि हमारा काम क्या है। क्या है ऐसे बीच में जो सामान्य वर्ग है वो जाए तो कहाँ जाए, ये अलग एक मैसेज जाता है समाज में। दुर्भाग्य है जी। हमारे देश का, हमारे सिस्टम का, के सिस्टम के ही लोग जो सिस्टम को चलाते हैं वो ही कुछ ऐसे, उनमें कुछ लिमिटेड लोग हैं जो ऐसी बातों को इनकरेज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम में सारे के सारे लोग ऐसे करप्ट हैं, क्योंकि सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं, बट कुछ लोग हैं जो इस तरह के बातों को चलाते हैं। आई जस्ट होप के ये सब अब से या विद इन सम टाइम कुछ पाबंदियां लगें और निचोड़ होना चाहिए। आइए दोस्तों, मुंबई में हुई हूच ट्रेजेडी पर देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मुंबई के मालवानी इलाके में अवैध, सस्ती और हानिकारक शराब पीने के कारण 100 से ज्यादा लोगों का निधन हुआ। अवैध शराब पीने के कारण पीड़ितों की शिकायतों में चक्कर आना, उल्टी होना और दृष्टि की हानि पाया गया था। इस हादसे से मालवानी इलाके के अनेक परिवारों को मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचा है और उनकी आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये देखकर कहा जा सकता है कि नशा सिर्फ नशे करने वालों को नहीं बल्कि पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, संगीता पवार का आंदोलन किस व्यसन के खिलाफ है? आप अपने जवाब, सुझाव और कहानियां हमें दूरदर्शन के इस पते पर भेजें। रूम नंबर 305, फेज 1, थर्ड फ्लोर, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या हमें streeshaktipost@gmail.com पर मेल करें। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है, मनु घोष जी की शादी 12 साल की उम्र में हुई थी और हमारे विजेता हैं जुवेरिया बरकात, हैदराबाद, तेलंगाना से। तो दोस्तों, हम सचिन और हमारी आज की स्त्री शक्ति संगीता से बहुत सारी बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी आज की स्त्री शक्ति संगीता पवार से और जाने माने टेलीविजन कलाकार सचिन श्रॉफ से। संगीता, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? अगर समाज में कुछ अनुचित घटनाएं घट रही है, उसका जो रीज़न है व्यसन, ये व्यसन को अगर हम दूर रखते हैं तो डेफिनेटली हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी चलेगी, अपनी लाइफ अच्छी कटेगी, इसका मुझे विश्वास है। तो मैं चाहती हूँ इस दारूबंदी व्यसन मुक्ति आंदोलन में सबने सहभाग लेना है और सबने एडिक्शन को दूर रखना है। संगीता, हमें आपके विश्वास पर पूरा विश्वास है। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि सचिन आप भी अपने फैंस को कोई मैसेज दें।
मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि संगीता जी के जो विचार हैं बहुत ही प्योर हैं। हमारे सोसाइटी में जो भी ईविल चीज़ें हैं, जो भी गलत चीज़ें हैं जिनसे नुकसान होता है शरीर को, दिमाग को, समाज को, परिवार वालों को, वो बंद हो जाए तो ये जो दुनिया है और भी खुशहाली के साथ भर जाएगी। संगीता, अब बारी है हमारे दर्शकों की, वो भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मैम, शराब के अलावा ऐसी कौन सी बुरी आदत है जो बैन होनी चाहिए? टोबैको। और दिन ब दिन गांव कस्बों में खरा नाम की जो चीज़ है, खरा बहुत ही माजा खरा नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो दारू से भी स्पीडली आगे बढ़ रहा है। ये गवर्नमेंट का इसके तरफ ध्यान होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये है क्या, और ये बंद कर देना, ये भी बंद कर देना चाहिए जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? दारू का सीन करने के लिए क्या सचमुच दारू पीना ज़रूरी है? नहीं, मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं इसे ही एक्टिंग कहा जाता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर सीन करना है तो आपको सोचना होता है कि आप उस स्टेट में कैसे रहेंगे। जैसे जब हम इमोशनल सीन करते हैं रोने का, तो ऑब्वियसली हम ग्लिसरीन लेके आंसू आते हैं। कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें नेचुरली जैसे आते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर हम दिखाते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है या कोई मरने वाला है, तो उस तरह की चीज़ें हमारे रियल लाइफ में नहीं होती। बट तो उसी हिसाब से अगर शराब पीने वाला सीन है तो वो भी सच में करने की क्या जरूरत है? दोस्तों, नशा जिंदगी का होना चाहिए, नशा आपकी जिंदगी नहीं। अपने जिंदगी पर केवल अपना बस होना चाहिए, किसी भी बुराई या नशे का नहीं। अपने और अपने परिवार को किसी भी नशे से दूर रखिए। अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर होगी एक और स्त्री शक्ति के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार। मेरे फादर बहुत शराब पीते थे। मैं खुद सोच रही थी कि अगर शैतान कोई होगा तो मेरे फादर से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। मेरा खुदा इतना बेरहम नहीं हो सकता कि मैंने पहले जो लाइफ जी है इतनी हॉरिबल, इतनी खतरनाक, तो शायद आगे की लाइफ मेरी इतनी बुरी तो नहीं हो सकती। मेरे पति ने कुछ ऐसी बात हुई ससुराल में, तो उस बात से उन्होंने इतना मारा कि मेरा पूरा शरीर पे निशान थे, पूरा जो चेहरा था पूरा खराब हो चुका था।